ਸਾਰੀ ਚਕੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅੱਡੇ ਮੇ वहाँ पे सवारी रखेंगे नीचे और उतारेंगे और चढ़ाएंगे और फिर चलेंगे हरियाणा। फिर हरियाणा में हमें पिक देना उतार के उन्होंने। ये बस जा रही है पठानकोट हुशियारपुर बस स्टैंड। महंगाई हो गई भाई इतों पता लगता हम लोग हरियाणा आ गए लेकिन बस वाले ने हमें बहुत पीछे उतार दिया तो अभी चलना पड़ रहा है। पकड़ो इधर रखिए चला के ठीक है।
ਸਾਥੀਆਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਕੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੰਨਣਾ ਆਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭੂਗਾ ਬੱਲੇ ਦਾ ਕੰਨੇ ਤੂੰ ਆ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਲੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਖੰਡੇ ਜਾਂਦੀ ਰੱਖ ਦੇ ਕੇ चश्मे दे उपरे ची देखे उदे नहीं नहीं चश्मे दे उपरे ची देखो सोने लगा दे दे चको शाबाश चको चको जिंदी आ जा माता जिंदी आ जा दुकान वाली असि बुढ़िया हो गई मोहरे माता दे माता उदर दी देंगे देखो दी तेरा फोन आ दा किधर पाई कर लो सो गाइज हम पहुंच गए हैं अपने हरियाणा जहां से हमारे गांव को जाती है बसें तो फिलहाल बस अभी आई नहीं है टाइम पे आती है बस तो बस अभी लगेगी गाइज तो उसके बाद फिर जाएंगे बस में और उससे आगे फिर से हमें एक गाड़ी करनी पड़ेगी फिर जाएंगे हम गांव क्योंकि हमारा गांव है हिमाचल में मतलब हिमाचल पहाड़ी इलाके में है तो पंजाब में हुशियारपुर है हमारा ज़िला तो कुकानेट हमारा गांव है तो वो पहाड़ी इलाके में है तो वहां पे बसें कम ही जाती हैं क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा तो रोड भी ख़राब हो रखे हैं लैंडस्लाइड हो रखी हैं पहाड़ी इलाका है तो ख़राब हो जाते हैं रास्ते तो बसें कम ही जाती हैं तो आगे हम यहां से बस में जाएंगे उससे आगे हमने टोल वहाँ से फिर हमने गाड़ी करके फिर हमने अपने गाँव कुकानेट जाना है तो अभी यहाँ पे बस नहीं लगी है और दीदी फ़ोन पे बिजी है भैया का फ़ोन आया है अभी तो गाइस सुबह के बज रहे हैं अभी 11 बजे तो हम आ गए हैं हरियाणा में और देखते हैं गांव कब तक पहुँचते हैं फिर आप लोगों को हम अपने गांव का पूरा व्यू दिखाएंगे देखना कितना मस्त पहाड़ी इलाका है और गर्मी हो रही है आज बहुत तेज़ धूप हो रही है हमारे चंडीगढ़ में तो बारिश वगैरह हो रही थी यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है तो गाइज आप लोग तैयार हो आगे के सस्पेंस और आगे के व्यू देखने के लिए तो यहाँ से हम बस में आगे जाएंगे टोलवाहा आज बहुत तेज धूप है दीदी कैसा रहा सफर बहुत अच्छा बढ़िया तीन साल के बाद आई हाँ तीन साल और दो ढाई साल तो मुझे भी होने लगे हैं तो कैसा रहा सफर देखकर तले पतलिए नारे के सोरियां दा पिंड आ गया आगे जाके निकालेंगे अभी नहीं आया ये देखिए झोला उठा के जाती हुई ये हमारा शहर है बस का इंतजार करती हुई लेडीज गाइस हमें यहाँ बैठे हुए पूरे 2 घंटे हो गए कहाँ 10:30 बजे आए थे और अभी 12 बजने वाले हैं तो ये है हमारे गांव का सफ़र अभी भी गारंटी नहीं है कि पहुँच पाएंगे बस आ गई है देखो घूम के आती है तो बैठते हैं फिर आगे का जर्नी आपको दिखाएंगे पतलिए नारे सोने आंदा पिंडे आ गया बस का इंतजार करते करते गाइस बस मिली गई हमें आस नहीं थे मिलने के धूप में बैठे बैठे हम कलुआ हो गए देखिए कैसे आए थे और क्या बन गए देखिए हम घर से मेकअप करके आए थे क्या हाल देखिए
वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।